वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए मैं आपको स्कर्ट बनाने का तरीका बताऊंगी, जो बहुत सुंदर घेर वाला अम्ब्रेला स्कर्ट बताऊंगी। तो देखिए मेरे पास जो ये 2 मीटर कपड़ा है, डिजाइनर स्कर्ट है, फैंसी है। तो देखिए 2 मीटर कपड़ा है, तो अभी इस कपड़े को स्कर्ट जितना पहले कटिंग करूंगी, तो देखिए कितना कैसे काटने का है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए स्कर्ट की लंबाई है मेरी 18 इंच। ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को मैं पहले फोल्ड कर दूंगी। देखिए ऊपर जो बेल्ट लगेगी मेरी स्कर्ट के ऊपर, वो इलास्टिक वाली लगेगी। तो मेरी 18 इंच लेंथ है, 18 इंच में मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। तो देखिए मैं 22 इंच तक ले लूंगी इसको, डबल कपड़े को। यहाँ से 22 इंच लेके यहाँ से देखिए मैं कट कर दूंगी। देखिए मैंने कपड़े को कटिंग कर दिया है। देखिए मैंने एक फोल्ड कर दिया है सामने की तरफ, अभी वापस उसको दूसरा फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। देखिए अभी मेरे लंबाई चाहिए मुझे 18 इंच, तो यहाँ पे मैंने 22 इंच लिया है, तो इसको मैं नीचे रेडी 18 इंच पे ले लूंगी। तो देखिए 18 पे एक मार्क कर दूंगी ऊपर की साइड में, और इधर भी देखिए पहले मैं 22 इंच पे एक मार्क करूंगी, और उसके अकॉर्डिंग इसको भी 18 इंच पे ले जाऊंगी, और यहाँ ऊपर की साइड मार्क कर दूंगी। ये देखिए ये जितना है 4 इंच है, वैसे 4-4 इंच पूरे राउंड में एक निशान कर दूंगी, इसे गोलाई बना दूंगी। देखिए जो मैंने ये 22 इंच पे लिया है पूरी लंबाई, वैसे मैं पूरे राउंड में 22-22 इंच पे निशान कर दूंगी। इसी तरह से देखिए मैं अभी इसको कटिंग कर दूंगी। मैंने कटिंग कर दिया है अच्छे से। 24 इंच कमर है, उसका चौथा भाग आएगा, 6 इंच आएगा। और ये देखिए ये जो राउंड है ये थोड़ा लूजिंग चाहिए, ये देखिए 7-7.5 पे है, यानी 28-30 के लगभग है, क्योंकि इलास्टिक आएगा तो उसमें अच्छे से चुन्नट आ जाएगी। अभी मैं इसको आपको खोल के बताऊंगी। तो दोनों तरफ भाग देखिए ये पूरा पैक है, स्कर्ट में इधर सिलाई नहीं लगाऊंगी। ये देखिए आप देख सकते हो पूरा इस टाइप से आएगा, कहीं भी कटिंग वटिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से पहले अभी मैं अस्तर की कटिंग कर दूंगी। देखिए इसका स्टिचिंग का वीडियो बहुत अच्छा होएगा, इसमें इलास्टिक कैसे डालते हैं वो तरीका मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। देखिए मुझे अस्तर कटिंग करनी है। ये देखिए ये मैंने 1.5 मीटर अस्तर लिया है, अस्तर को भी मैं अम्ब्रेला ही कटिंग करूंगी। देखिए मैंने कपड़े को डबल कर दिया है, डबल करके इसका जो एक कोना पकड़ के उसको देखिए मैं तिरछा कर दूंगी। तिरछा करके ये देखिए 4 फोल्ड हो गया है। तो अभी इसमें मैं कमर के अकॉर्डिंग नहीं लूंगी, इसमें जो मेरी गोलाई आई है 7-7.5 इंच, तो वो मैं गोलाई लूंगी। यहाँ पे देखिए मैं 7 इंच तक ये गोलाई लूंगी। तो मैंने दोनों तरफ निशान कर दिया है, दोनों कोने को चेक कर दूंगी। देखिए 9.5 इसकी लंबाई आ रही है, तो इसकी 9 इंच आ रही है, तो मैं उधर भी 9.5 कर दूंगी, और सेंटर में एक 9.5 इंच ले लूंगी। स्कर्ट में जब इलास्टिक डालते हैं तो लूजिंग थोड़ा आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए मेरी लेंथ थी 18 इंच, तो यहाँ पे 18+1 करूंगी, सिर्फ 1 इंच बढ़ाऊंगी, और फिर ऊपर से वापस वही प्रोसीजर जो कॉर्नर पे मैंने इंच टेप रख के मैं राउंड राउंड में ये नंबर देख लूंगी। 28 इंच तक ये निशान आ गया है। अभी देखिए 28-27 पे 28 पे मैं मार्क करती जाऊंगी, फिर इसको कटिंग कर दूंगी। आप देख सकते हो मैंने अस्तर की भी
कटिंग कर दी है। अभी मैं देखिए ऊपर के बेल्ट की कटिंग करूंगी। ये देखिए बेल्ट के लिए मैं इस कपड़े का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि ये टिकली वर्क है तो ये कमर में चुभेगा, इसके लिए इसका उपयोग नहीं करूंगी। आपके पास चाहे तो अस्तर पड़ा हो तो आप डबल अस्तर काट दीजिए, दो पट्टी काट दीजिए, या फिर आपके पास कोई और ब्लैक कलर का मटेरियल हो, जैसे मेरे ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर मैंने लिया है, कोई भी मटेरियल हो तो उसका कटिंग कर देंगे, लेकिन इस टिकली वर्क का नहीं कटिंग करेंगे। देखिए मैंने इसका दूसरा जो मेरे पास और फैब्रिक था मैंने दो पट्टी इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखिए सबसे पहले मैं अस्तर की सिलाई ले लूंगी, इसको पैक कर दूंगी। तो अस्तर देखिए एक तरफ से जो खुला भाग है यहाँ से मैं आधा आधा इंच की सिलाई ले लूंगी। बेल्ट की कटिंग की थी, उस बेल्ट को मैं पहले यहाँ से सिलाई कर दूंगी, उसको पूरा पैक कर दूंगी। ये देखिए उसको मैं सीधा कर दूंगी और इस बेल्ट को मैं डबल कर दूंगी। अच्छे से डबल करके एक किनार पे सिलाई कर दूंगी पूरे राउंड में। चौबीस इंच की कमर है तो मैं 24 इंच का चौथा भाग कर लूंगी, जितना आएगा उतने हिसाब से मैंने तीन हिस्से का इलास्टिक लूंगी। देखिए इलास्टिक लूंगी मैं 18 इंच का और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लूंगी, 19 इंच का इलास्टिक ले लूंगी। अभी देखिए ये जो मैंने बेल्ट की सिलाई लगाई है इसका मैं नीचे से एक बार थोड़ा सा सिलाई खोल दिया है तो पहले इलास्टिक डाल के उसको रेडी कर दूंगी बेल्ट को। देखिए इलास्टिक पे मैं सिलाई लगा दूंगी। खुला भाग था इसको भी मैं वापस सिलाई कर दूंगी। ये देखिए अभी मैं उसको कवर कर दूंगी तो ये मेरा भाग सीधा रहेगा। इसके ऊपर देखिए मैं इलास्टिक का भाग रखूंगी, ये जो मैंने बेल्ट लिया है ये वाला भाग रखूंगी और इसके ऊपर देखिए मैं अस्तर का भाग रखूंगी। आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले ये वाला सीधा भाग लिया है मेन मटेरियल, फिर मैंने जो बेल्ट रेडी की थी उसको लिया है, फिर अस्तर वाले भाग को लिया है। इन तीनों को मैं आधा आधा इंच की सिलाई के सहारे पूरे राउंड में कमर में सिलाई लगा दूंगी, कपड़े को खींचूंगी नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए आप ये सिलाई करते करते आओगे तो यहाँ पे अभी एक साथ जमा हो जाएगा ये कपड़ा। ये जो घेरा है उसको पहले आप उसके जो ये वाले भाग में अच्छे से उसको उल्टा कर दीजिए, फिर आप सिलाई लगाते जाइए वापस। देखिए अभी मैं अस्तर वाले भाग को उल्टी साइड कर दूंगी और आप देख सकते हो इलास्टिक कवर हो गया है और उल्टे साइड में ये भाग आ गया है। और देखिए आपको मैं इस कट को सीधा करके बताऊंगी तो सीधे में भी इलास्टिक कवर हो गया है, आप देख सकते हो कहीं चुभने जैसा नहीं है। अभी मैं इसके ऊपर दाग सिलाई दे दूंगी। ये देखिए जो बेल्ट वाला भाग है उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी बेल्ट वाले भाग में। ये अभी मैं इस इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा दूंगी एक सिलाई, देखिए आधा इंच पे पहले उसको सुई को अंदर डाल के देखिए चारों तरफ चुन्नट बराबर चाहिए, सब एक तरफ चुन्नट जमा नहीं करना है। इसको खींचते हैं इस तरह से आप सिलाई
ये घेरे के नीचे पहले इस मेन मटेरियल में मैं पट्टी मोड़ूंगी आधा आधा इंच की, दो बार मोड़ के सिलाई कर दूंगी। ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हो, अगर अस्तर ज़्यादा नीचे हो तो उसके अकॉर्डिंग पट्टी मोड़ेंगे। तो ये देखिए मेरा अस्तर आधा इंच खाली नीचे है, तो मैं अस्तर की पट्टी भी इसी तरह से आधा आधा इंच की दो बार मोड़ दूंगी पूरे राउंड में, अस्तर को भी मोड़ दूंगी।